जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर अलाहाबादी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। पहले हम इसका समझेंगे एक्चुअल वर्ड मीनिंग क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है इसका एक्चुअल मीनिंग, अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं एक प्लांट भी लेके आया हूँ, हम लोग इस प्लांट के माध्यम से भी समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग पहले ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड पे, देखिए लिखा गया है फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अब फोटोसिंथेसिस बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है फोटो, फर्स्ट वर्ड क्या है फोटो, दूसरा वर्ड है सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स क्या होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं और फॉर्मेशन को हिंदी में संश्लेषण या निर्माण कहते हैं। मतलब बेटा यह हुआ प्रकाश प्लस संश्लेषण, बन गया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो यह रहा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल वर्ड मीनिंग या मतलब। अब हम समझते हैं इसको, यूं कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि प्रकाश द्वारा भोजन के संश्लेषण के प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में आप इस तरह से कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट फोटो इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का एक छोटा सा परिभाषा, छोटा सा डेफिनेशन लिखा गया है। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो क्या हो गया डेफिनेशन, द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो बेटा हम दो चीजें जान चुके हैं, फोटोसिंथेसिस शब्द का एक्चुअल मतलब जान चुके हैं और फोटोसिंथेसिस का एक डेफिनेशन छोटा सा जान चुके हैं। अब हम लोग तीसरा चीज जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब लोग प्लांट का यूज करके पढ़ने वाले हैं। देखिए रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला चीज फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है सन लाइट, सूर्य का प्रकाश, जो कि कहां से मिलता है सन से। सनलाइट कहां से मिलती है भाई, सूर्य से ही मिलती है ना। सूरज भगवान सबको सूर्य का प्रकाश देता है, ठीक है, देते हैं, ठीक है। तो देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं इसलिए, तो सन से मिलकर हमें सन लाइट। सेकंड चीज जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का गैस है, वो कहां से मिलता है CO2, कहां से मिलता है एयर से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वहां से मिलता है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो यहां से भी पा जाता है। जो लोग CO2 छोड़ते हैं कहां जाता है, एटमॉस्फेयर में ही जाता है। तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर से क्या ले लेता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज है, 0.3%, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है वाटर, वाटर कहां से मिलता है भाई, सॉइल से। वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से, मिट्टी से। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल कहां से मिलता है, लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी से उनको मिलता है, ठीक है। आप ये प्लांट देख भी सकते हैं, देखिए इनकी पत्तियां हरी है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन कि ये बताइए जो क्लोरोफिल होता है वो केवल पत्तियों में ही पाई जाती है कि स्टेम में भी पाई जाती है, बताइए जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूं। तो बेटा जो क्लोरोफिल होता है लीफ में भी पाई जाती है और स्टेम में भी पाई जाती है, किसमें, लीफ में भी पाई जाती है और स्टेम में भी पाई जाती है। इसको इस तरह समझिए बेटा, जैसे जब पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम सीजन आता है, पत्ते तो गिर जाते हैं पौधों के, पेड़ों के, तो भाई उसमें क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पेड़ मर जाता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी है क्लोरोफिल, वो पत्तियों में भी पाया जाता है और तनों में भी, स्टेम्स में भी पाए जाते हैं। इसीलिए जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में हेल्प करता है कौन, स्टेम में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में।
और पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ फोटो क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल लिखा गया है, क्लोरोफिल को बेटा हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। मैं राइट करता हूं पर्णहरिम, ये है क्लोरोफिल का हिंदी शब्द। अब पर्णहरिम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पर्ण दूसरा हरिम। पर्ण मतलब बेटा पत्ती, पर्ण मतलब पत्ती और हरिम मतलब हरा। पर्ण मतलब पत्ती, हरिम मतलब हरा। ठीक है, लीफ यहाँ पे ग्रीन, तो मतलब जो लीफ ग्रीन होती हैं, जो पत्तियां हरी होती हैं, उसका कारण कौन है? पर्णहरिम, क्लोरोफिल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पर्णहरिम इंग्लिश में होता है क्लोरोफिल, पर्ण मतलब पत्ती, हरिम मतलब हरा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हिंदी में जिसे बोलते हैं पर्णहरिम के कारण। ठीक है, अब थोड़ा इसका डेफिनेशन पर्णहरिम का समझ लेते हैं, क्लोरोफिल का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए लिखा गया, इट इज अ पिगमेंट, पिगमेंट मतलब होता है रंग। ठीक है, कलर भाई, कलर। ठीक है, वर्णक इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वर्णक या रंगक, वर्णक या रंगक। मैं यहां बड़ा बड़ा लिख देता हूं, वर्णक, वर्णक, वर्णक कैसे कहते हैं इसे, और रंगक भी कहते हैं, चाहे वर्णक कह लीजिए चाहे रंगक कह लीजिए। तो देखते हैं डेफिनेशन क्लोरोफिल का, इट इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स। यह एक प्रकार का रंगक होता है, वर्णक होता है मतलब रंग वाला पदार्थ होता है, जो कि हरी पत्तियों के कोशिकाओं में पाया जाता है। हरी पत्तियों कोशिकाओं में पाया जाता है और स्टेम में भी पाया जाता है। ठीक है, इट इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड स्टेम, एंड स्टेम। ठीक है, ग्रीन लीफ, लीफ में भी, लीफ के सेल में भी पाया जाता है और ग्रीन स्टेम में भी पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल, पर्णहरिम। चलिए अब हम आगे बढ़ो बेटा, अब हम लोग बढ़ जाते हैं इसके केमिकल फार्मूले की तरफ, किसके? फोटोसिंथेसिस के। देखिए मैं आपको प्लांट के द्वारा थोड़ा सा कुछ चीजें बता दूं। ये जो प्लांट है, देखिए फोटोसिंथेसिस के जो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट थी, सनलाइट, सनलाइट में सूर्य से मिल जाता है। ठीक है, और वाटर हमें कहां से मिलता है? सॉइल के थ्रू। और सॉइल से वाटर कौन लाता है? रूट लाता है ना। देखिए रूट है, मैं उल्टा कर दिखाता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए रूट है, प्लांट का क्या है? रूट है। यही क्या करेगा? सॉइल से वाटर को ऊपर ले जाता है, पूरे प्लांट में फैला देता है। किसको? वाटर को। कौन ले जाता है? रूट। ठीक है, यही है रूट। देखिए मैं जूम करता हूं, ये रूट है, ये क्या करेगा? वाटर को लेके जाएगा पूरे प्लांट के पार्ट में। ठीक है, और देखिए थर्ड चीज था इंपॉर्टेंट चीज, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों में। देखिए कहां कहां था? पत्तियों में पाया जाता है। मैं दूसरा दिखाता हूं आपको, इसमें देखिए, समझिए इसमें देखिए बड़ी बड़ी थोड़ी पत्तियां हैं, तो इन्हीं पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और स्टेम में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए तो ग्रीन है ना, तो पत्तियों में तो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब देखिए हमने आपको एक चीज देता बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से। लेकिन आपने जैसे समझा कि जो रूट होता है, ठीक है, जो रूट होता है वो क्या करता है? वाटर को लेकर चला आता है, ठीक है, प्लांट में। और जो क्लोरोफिल होता है वो लीफ में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश हमें सनलाइट से मिल जाता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन यह आना चाहिए कि सर सब तो समझ में आया, बताइए CO2 कहां से प्लांट में घुस जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड भाई प्लांट में कैसे घुसता है? उसके लिए क्या कोई खिड़की है क्या प्लांट में? जी हाँ, खिड़की ही है, जिसका नाम है स्टोमेटा, रंध्र हिंदी में कहते हैं। तो स्टोमेटा बेटा क्या होता है? जब आप पत्तियां कोई भी प्लांट का लीफ देखिए ना, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, लीफ देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर बने होते हैं, उसे बोलते हैं स्टोमेटा, हिंदी में बोलते हैं रंध्र। उसी के द्वारा CO2 एंट्री करता है प्लांट में, और उसी के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है, जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, जो रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, पत्तियों में छोटे छोटे पोर नुमा मतलब छिद्र नुमा संरचना होती है, जिसके द्वारा CO2 प्लांट में एंट्री करता है, घुसता है, चला जाता है, और उसी के द्वारा ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसी द्वारा निकलता भी है। ठीक है, हालांकि इसमें तो ऐसे दिखेगा नहीं, बट अगर आप माइक्रोस्कोप से इन पत्तियों को देखेंगे, इनमें आपको छोटे छोटे पोर दिखेंगे, उन्हीं को कहते हैं स्टोमेटा, जिसके द्वारा CO2 एंट्री करता है किसमें? प्लांट में। चलिए हमने एक चित्र बनाया, उसके माध्यम से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आए तो वीडियो
डिसलाइक कर देना, ठीक है। अगर समझ में आया लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना, अगर नए चैनल पे हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया डिसलाइक कर दिए, कोई फिक्र की बात नहीं, चलिए। और समझ में आएगी तो गारंटी हमारी है। देखिए चित्र के माध्यम से लोग समझते हैं। देखिए बेटा हमने बताया सन से हमें, हमारा सन है, मुस्कुरा रहे हैं सूर्य भगवान, सन से हमें मिल जाता है सन लाइट, सन से मिल गया सन लाइट, ठीक है। एंड लीफ में बेटा क्लोरोफिल होता है, पर्ण हरिण, ठीक है, जिससे मिल जाता हमें क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, दो चीजें मिल गई, दो चीजें और बाकी क्या, वाटर और CO2। देखिए वाटर, वाटर हमें रूट के थ्रू, ये रूट है ना, ये सारे क्या है, रूट्स हैं, जड़े हैं। रूट के थ्रू हमें मिट्टी से क्या मिल जाता है, वाटर, जल मिल जाता है, ठीक है, जल मिल जाता है। और बेटा पत्तियों में बताया छोटे छोटे पोर होते हैं ना, छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा, उन्हीं के द्वारा एंट्री करता है CO2 प्लांट में, ठीक है। CO2 एंट्री कर जाता है लीफ में, और O2 क्या होता है, अभी हम जब फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन निकलता भी है, और उसे स्टोमेटा के द्वारा, देखते छोटे छोटे हमने स्टोमेटा बनाने की कोशिश करी है, ये क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसकी स्पेलिंग होती है STOMATA, स्टोमेटा मतलब रंध्र, उसी के द्वारा ऑक्सीजन निकल भी जाता है, CO2 आता है, मतलब भाई ये कोई खिड़की है ऐसे, ठीक है, ऐसे CO2 आया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बना, O2, और O2 ऐसे CO2 अंदर आया और O2 ऐसे बाहर इस तरफ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चित्र हमने बना दिया है स्टोमेटा को, जिसको हिंदी कहते हैं रंध्र, कुछ इस तरह से स्टोमेटा आपको दिखता है जब आप लीफ को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे, ठीक है। तो ये है स्टोमेटा का चित्र, रंध्र का चित्र। इसी तरह देखिए इसमें होल बना होता है, ठीक है, सोचो पत्तियां होती है उसमें दिखता नहीं, बट आप माइक्रोस्कोप देखें तो आपको दिखेगा। तो स्टोमेटा में ऐसे होल होता है जिसके द्वारा CO2 इसमें क्या करता है, CO2 क्या करता है भाई, ऐसे घुस जाता है, एंट्री कर जाता है, और O2 क्या करता है, ऐसे बाहर आ जाता है, जो हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एक बार आप चित्र और ध्यान से देख लीजिए, सनलाइट मिला सन, सन से मिला सनलाइट, और सॉइल से मिला वाटर, जिसको कौन ले गया, रूट ले गया, और पत्तियों में क्लोरोफिल था ही, ठीक है, और CO2 कहां से आ गया, स्टोमेटा जो पाया जाता है पत्तियों में, छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना, वो CO2 इससे आ जाता है, और उसी से रंध्र द्वारा, स्टोमेटा द्वारा O2 निकल भी जाता है। चलिए हम इसके केमिकल फार्मूला फटा से, तो चलो बेटा समझते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहां पे 6 CO2 + 12 H2O, ठीक है। अब देखिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, फ्रॉम एयर, 12 H2O वाटर, H2O मतलब क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर कहां से मिलता है, फ्रॉम सॉइल, जो कि रूट लेके जाता है, हम बता ही चुके हैं आपको। आगे देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला, प्लस क्या बनता है, +6O2 बनता है ऑक्सीजन, और क्या बनता है, +6H2O वाटर भी बनता है, ठीक है। पर जैसे जो स्टैंडर्ड बुक नहीं है, NCERT वगैरह में तो है ये सारी चीजें, बाकी जो स्टैंडर्ड बुक नहीं है उसमें 6H2O को मेंशन नहीं करता है, लेकिन मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर भी बनता है, पौधों में वाटर भी बनता है, जो कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, उस प्रोसेस द्वारा वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है थ्रू स्टोमेटा, रंध्र के द्वारा, तो H2O भी बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटी स्टैंडर्ड जो बुक नहीं है उसमें H2O को कम मेंशन करते हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है NCERT वगैरह उसमें H2O भी मेंशन करते हैं, हम आपको NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं इसको, इसको देखो याद करने के लिए परेशान नहीं होना, कैसे याद करना मैं आपको बता देता हूं। देखिए 6CO2 लिया, ठीक है, 6CO2 लिया, यहां पे C को भूल जाइए, यहां पे C को भूल जाइए, और यहां बन गया 6O2, 6CO2 लिया था बन गया 6O2, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर 12H2O लिया था, मान लो कि आधा कोई चोरी कर लिया, ठीक है, 12H2O लिया था, आधा कोई चोरी कर लिया वाटर, ठीक है, तो बना बचा 6H2O, इधर की तरफ बना 6H2O, ठीक है। बाकी इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे हम पूछे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो कि किसका स्टोर्ड मटेरियल होता है, प्लांट का स्टोर्ड मटेरियल होता है, स्टोर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट नोन एज स्टार्च, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मंड। जब प्लांट के पास
खाना ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है उसके तनों में, पत्तियों में, तो स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ह्यूमन में किस फॉर्म में स्टोर होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब ह्यूमन में ग्लूकोज या भोजन ज्यादा हो जाता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि अभी मैं बता दूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप ही बताएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, स्टार्ट होता है वो कहाँ से, जी से उसका लेटर स्टार्ट होता है, जिस फॉर्म में इंसानों में स्टोर होता है फूड, पहला लेटर उसमें जी से होता है, बाकी आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये था केमिकल फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस, C6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। H2 मतलब वाटर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस लाइट में सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे रेड लाइट में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से किसमें होता है, रेड लाइट में ही होता है मेनली। हालांकि तीन ही लाइट में होता है, किसमें, रेड में, ब्लू में एंड वायलेट में, लाल, नीला और बैगनी, पर सबसे ज्यादा किसमें होता है, रेड लाइट में, फिर उसके बाद ब्लू लाइट में, फिर लास्ट में वायलेट लाइट में, मतलब बैगनी रंग में। कई बार आपसे परेशान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्रीन लाइट में होता है, बोल देना नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा ग्रीन लाइट जो होता है उसको हमारा क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, इसीलिए ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। और मान लो अगर कभी हुआ भी, बहुत रेयरली, बहुत माइन्यूट होता है, उसको हम ना ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो किसमें फोटोसिंथेसिस होता है, रेड लाइट में, ब्लू लाइट में एंड वायलेट लाइट में, सबसे ज्यादा किसमें, रेड लाइट में। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, आपको फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर बच्चा, अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड साथ से शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश।